Assalamu alaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers. कल की वीडियो के बाद आपको यकीनन इंतज़ार होगा और मुझे भी बहुत इंतज़ार था. थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई. एक्चुअली मेरा फ्रेंड आज आ गए जिनकी थी वेगो, मेरे पास ही थी और वो उनके साथ प्रोग्राम मेरा बन गया. शाह अल्लाह दित्ता जो इस्लामाबाद से हैं उनको पता होगा. लेकिन हम लोग गए तो बहुत गर्मी थी. जगह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, आप लोग ज़रूर जाएं वहाँ पे. लेकिन आज गर्मी काफ़ी हो गई थी तो इस वजह से थोड़ी वीडियो भी लेट हो गई. और वो आए और वेगो मुझसे ले गए और उनके पास एक YBR है, YBR 125 2015 मॉडल, वो मेरे पास छोड़ गए. उसका इंशाल्लाह मैं कल रिव्यू डालूंगा. अच्छा, अब आते हैं कि कल जो मैंने वीडियो डाली उसमें जो आपसे मैंने सजेशंस मांगी थी, थैंक यू सो मच, आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया. मैंने एक एक कमेंट पढ़ा है, वो एक एक कमेंट पढ़ा है और उसको बल्कि मैंने नोट भी किया है कि क्या क्या कौन सी बाइक की सजेशंस कितनी थी, उसके किस व्यूअर ने कौन सी बाइक सजेस्ट की. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं होंडा की CB150F, तो वो मुझे 11 व्यूअर्स यानी 11 व्यूअर्स ने सजेस्ट की है. तो 11 व्यूअर्स, थैंक यू सो मच. और उसके बाद 11 के अलावा थैंक यू ऑल ऑफ यू, लेकिन ये जिन्होंने ये सजेस्ट की है. अच्छा, उसके बाद फिर आ जाएं GS150SC जिसने मुझे सजेस्ट किया, वो 21 व्यूअर्स ने मुझे GS150SC सजेस्ट की है. तो अच्छा, उसके बाद आ जाएं CG125. मैं हैरान हो रहा हूं कि सिर्फ 5 व्यूअर्स ने मुझे सजेस्ट की है. हालांकि मेरा ख्याल था कि शायद CG मुझे देखने को मिले क्योंकि इसके फैंस बहुत ज्यादा हैं. तो सिर्फ 5 चलें, बहरहाल अपनी अपनी पसंद है. उसके बाद YBR125G मुझे कितनों ने सजेस्ट की, वो है 20 व्यूअर्स ने YBR125G की, जिसमें 20 में से आउट ऑफ 2 वो थे, यानी 2 वो थे जिन्होंने मुझे नॉर्मल YBR सजेस्ट की. लेकिन मैंने वो इसी में ऐड कर लिया क्योंकि YBR125G हो या YBR नॉर्मल हो, नई वाली में तो खैर थोड़ा सा उसके पिक वगैरह में फ़र्क है. वैसे एज सच कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिवाय के टायर्स के और उसका मड गार्ड थोड़ा ऊंचा है. और 30mm इज़ नथिंग, कि 30mm अगर वो हाई है तो 30mm से तो कुछ भी नहीं होता हाइट का. अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे सजेस्ट की है 21 जिसका स्कोर जा रहा है, वो है GS150SC. और उसके बाद फिर जिसका नंबर आ रहा है वो है YBR125G, वो 20 पे आ रहा है. और उससे कम जो आ रहा है वो आ रहा है CB150F, उसका 11 बन रहा है. और उसके बाद अगर CG की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ 5. अब ये मैंने आपके कमेंट्स 9:30 बजे तक रात आज यानी 9:30 आज तक मैंने ये पढ़ के और उसका ये रिजल्ट निकाला है, उस पे ये है. तो बाकी हाँ, कुछ ने मुझे सजेस्ट किया है इससे हट के सुजुकी का GR150. नो डाउट मुझे बहुत पसंद है उसकी शेप, शायद मतलब बहुत सों को ना पसंद हो, शेप तो बहुत अच्छी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसको कंसिडर ना करने की रीज़न यही है कि उसकी प्राइस टैग बहुत हाई है, 2,19,000, बहुत ज़्यादा 150cc के लिए, चाहे जैसे भी हो. और फिर यह है कि अपनी अपनी पॉकेट का भी है, तो मैं ये है कि 165 या 162 ये जो CB की रेंज थी उससे ऊपर नहीं जाना चाह रहा था, या GS150SE की जो रेंज थी. तो बस ये देखें, अब इंशाल्लाह मैं एक हफ्ते में फिर मैं क्या लाऊंगा और वो भी आपको बताऊंगा. और जी, बहुत खास चीज जिसका आपने इंतजार था, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि मुझे आपने यामाहा की YB 125Z सजेस्ट नहीं करनी, उसकी रीजन मैं कल बताऊंगा, मैंने ये कहा था. तो आज मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजन. ये है कि यामाहा की 125Z मेरे पास पहले से ही है,
तो मैं दो एक जैसी बाइक्स तो नहीं लूंगा और मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन सिर्फ ये कि मुझे थोड़ी वो कहते हैं ना एडिक्शन कह लें कि भाई शुरू से मुझे था कि दो बाइक्स कि एक बाइक से मैं बोर ना हूँ, एक हफ्ता एक चला ली या एक दिन एक चला ली, एक दिन एक चला ली। और फिर क्योंकि मैं होंडा प्राइडर जो मैंने आपको बताया था, होंडा प्राइडर और ब्लू जिसका मैंने कुछ दिन पहले DYL 1-5 का जो प्रोग्राम था बना, वो दोनों मैंने बाइक्स बेच दी हैं। तो अब इसलिए मैं चाह रहा था कि एक बाइक ले लूं, और एक वीक का टाइम इसलिए कि मेरा फ्रेंड जिसने मुझसे ली है ब्लू वाली, मुझे ज़रा पेमेंट करनी है अभी, उन्होंने वो कर तो देंगे, लेकिन मैंने सोचा कि चले मुझे भी टाइम मिल जाएगा इसमें और एक बाइक और मैं ले लूँगा। तो आप ये ना सोचेंगे YB 125Z से मैं सेटिस्फाइड नहीं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और बहुत अच्छी चल रही है, और उसका भी इंशाल्लाह आगे मैंने वो आपको बताना है जो फाइनल फ्यूल कंजम्पशन उसकी मुझे मिलेगी, अब क्योंकि मैंने नोट किया मीटर पे, वो भी आपको बताऊंगा। और जल्द ही जो YBR 125 जो 2015 मॉडल, वो 15,000 और समथिंग मीटर पे चल चुकी है, तो आज मैंने उसे राइड किया, उसका भी आपको बताऊंगा। तो मेरा ख्याल है YB 125Z का पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। तो अब इसके साथ ही अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।